यह ह्यूमन राइट्स वॉच की जानिब से आज एक स्टेटमेंट जारी हुई है। उनका कहना है कि चाइना के अंदर 2 से 3 जगह पर महसूस और खास जगह है जहां पर मस्जिद को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। आज तक तरीके की बात करें तो कभी भी चाइना खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं आई हमारी गवर्नमेंट की जानिब से। इवन लोगों को भी नहीं पता होता कि काफ़ी जगहों पर मुसलमानों के वहाँ राइट्स को बहुत ज़्यादा वो किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यूसली करते हैं और हम उसे अपना दोस्त कहते हैं। क्यों, क्या वजूहत है? बेसिकली असल में सीपैक का पार्ट है हम, तो BRI का पार्ट है हम, तो इस वजह से सारी इकोनॉमी पाकिस्तान की इनकी वजह से चल रही है और आ जाके हम उनके डेट में ही फंसे हुए हैं। आ जाके आवाम को लगता है कि सीपैक अगर आ रहा है तो इससे हमारी बड़ी ज़्यादा खुशहाली हो रही है। इनको इतना नहीं पता जितना जैसे हम IMF से लोन ले रहे हैं, सेम एज इट इज सीपैक से हमें हम डेट में जा रहे हैं, लोन ही जा रहा है वो। अभी तो सीपैक के काम के लिए वहाँ गिलगित साइड पे सारे चाइनीज नजर आते हैं, पाकिस्तानी वर्कर्स क्यों नहीं नजर आते? यही तो बात है कि ये चाइना कंट्रोल करता है सारे सिस्टम को, और इवन ग्वादर में भी आम आदमी शहर जा नहीं सकते, और जैसे ट्रॉलर से जैसे फिशिंग के जैसे डिस्ट्रॉय किया हुआ इन्होंने, लोकल फिशर जैसे हैं उनको भी डिस्ट्रॉय की हुई, इनकी रोजगार को खराब किया हुआ इन्होंने चाइना ने, तो गवर्नमेंट ने कोई स्टेप नहीं लेना इस हवाले से। क्या लगता है कि हिंदुस्तान में अगर कोई मसला हो तो फौरन से पहले हमारा मेनस्ट्रीम मीडिया दिखाता है कि हिंदुस्तान ने ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया की साजिश है, चाइना अमेरिका या अभी इसराइल का ही देख लो, हम बायकॉट प्रोडक्ट्स नहीं कर सके, हम इतना ज्यादा उनके मतलब वो मक्रूज हुए हैं कि हम उनकी चीजों को छोड़ ही नहीं सकते, व्हाट्सएप यूट्यूब फेसबुक तक उनका है। तो क्या लगता है कि सिर्फ हिंदुस्तान के नाम पे हमें वो किया जाता है, बाकी सारी कंट्रीज के आगे हम बोलते नहीं है? असल में बात ये है कि हम चाइना के खिलाफ बोल नहीं सकते, तो वहाँ पे हमारे नेशनल इंटरेस्ट आ जाते हैं और नेशनलिज्म वहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है। नेशनलिज्म लाइक कि हम एक उम्मा है, एक मुसलमान है, वो भी मुसलमान है जो चाइना में है, लेकिन हम उनके लिए आवाज़ नहीं उठाते क्योंकि हम वन उम्मा है, लेकिन वो नेशनलिज्म खत्म हो चुका हुआ है, अब सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट ज़्यादा है, और यहाँ पे इंडिया के खिलाफ हम बोल पड़ते हैं वहाँ पे हमारे इंटरेस्ट आ जाते हैं, जैसे कश्मीर के लिए आ जाता है और बाकी चीज़ें हैं। क्या लगता है कि इंडिया में सच में उस तरह का एक्सट्रीमिस्ट है जो हमें दिखाया जाता है, या हमें सच में खुद अपने ज़ाती लेवल पर एक्सट्रीमिस्ट बनाया जा रहा है पाकिस्तान में? नहीं, इंडिया एज ए नेशन कुछ बेहतर लोग हैं, लेकिन मोस्टली जो उनसे ना ज्यादा फासिस्ट और ये रेसिस्ट इस किस्म के हैं। अच्छा, ऐसे ही है। कश्मीर हमसे बेहतर हालत में है या नहीं? अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से दे आर इन बेटर प्लेस। बस वो ये चीजों की हालत में पूछ रही हूँ। देखो ना, वहाँ 60 रुपए के 90 रुपए का पेट्रोल मिलता है और हमें देखो वहाँ 20 रुपए का टमाटर। उनके पास एक राइट नहीं है सेल्फ डिटर्मिनेशन का, बाकी उनको पाकिस्तान के आजाद कश्मीर से ज्यादा फैसिलिटीज है, वहाँ के मेडिकल कॉलेजेस इतने जबरदस्त है, और पाकिस्तान में जो आजाद कश्मीर है उससे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस इंडिया के कश्मीर में है। नो डाउट। अच्छा, मुझे बताना, आखिरी सवाल है आपसे कि चाइना के लिए एक्शन लेना चाहिए या नहीं, या खामोशी से इस्लाम को पीछे रख के हमें खामोश रहना चाहिए कि कोई बात नहीं, मफादात तो चल रहे हैं ना? अब यहाँ पे बात आती है डिप्लोमेसी की, पाकिस्तान को अपनी डिप्लोमेटिक एक ऐसा फोरम बनाना चाहिए जो उइगर के मुसलमानों के लिए, और वो जो चाइना एज अ होल एज अ जो कंट्री में कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ, उसको कंडेम करे एक अच्छे एक प्रॉपर वे में, कि आ जाके आपके इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी ना डिस्ट्रॉय हो और आप मुसलमानों के लिए कुछ कर भी सकें जो चाइना में है। सही बात है, और बस इस तरह ही है। बिल्कुल, ऐसे बहुत अच्छा लगा लड़की, थैंक यू सो मच। देखिए जी, हमें हर मजहब का एहतराम करना चाहिए, और ये बहुत गलत हुआ है जो कुछ भी उन्होंने किया है। बेसिकली उन्होंने इसलिए भी आवाज़ नहीं उठाई, शायद वो उनका आपस में एक वो रिलेशन है एक गवर्नमेंट का, वो क्या कहते हैं सरमायाकारी का, इस वजह से भी नहीं उन्होंने किया, लेकिन ये गलत है, उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए इस चीज़ पे। हम तो कहते हैं जब हिंदुस्तान में कोई चीज़ होती है तो हम कहते हैं इस्लाम पहले, अब चाइना में हुई है तो हमारे मफादात पहले, ऐसा नहीं होना। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अब क्योंकि उसमें सियासतदानों का वो फायदा आ गया तो उन्होंने उस चीज़ को साइड पर रख दिया, इस्लाम तब उनको नहीं नज़र आ रहा, वो मज़हब तब चीज़ नज़र नहीं आ रही। वैसे अगर यही कोई चीज़ अमेरिका या किसी और कंट्री में होती तो फिर हम सब ने खड़े हो जाना था, हर एक का बयान आना था, और इस पे मेरे ख्याल से किसी का कोई भी बयान नहीं आया। लेकिन इसराइल जो कर रहा है, अब मैं इसराइल की अगर बात करती हूँ, फौरन से आपने या मैम ने भी कहना था कि हाँ इसराइल जो यहूदी है वो मुसलमानों का कभी दोस्त नहीं हो सकता। चाइना भी तो कौन सा मुस्लिम कंट्री है, अगर हम चाइना को दोस्त भी कहते हैं तो एहतरामन उसे एहतराम करना चाहिए, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। लेकिन हिस्ट्री ऐसा दिखाती है कि चाइना हमेशा अगेंस्ट इस्लाम रहा है, लेकिन हमने आज तक कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई, इवन लोगों को पता भी नहीं होता। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह की हमारी चाइना के साथ दोस्ती है, चाइना को खुद ही इसके खिलाफ स्टेप लेना चाहिए था,
लेकिन हमारे सियासतदान भी चुप हैं और उधर से भी जो हो रहा है वो भी बहुत गलत है। क्या समझते हैं सर कि अगर हिंदुस्तान में ऐसा हो तो हम जब तारीख चला देते हैं कि हिंदुस्तान ऐसे हिंदुस्तान ऐसे हिंदुस्तान ऐसे, क्या हमें हिंदुस्तान के नाम पर एक्सट्रीमिस्ट और चाइना के नाम पर दोस्ती का वो फैक्टर डाला गया है ताकि हिंदुस्तान से हम कभी वो चीज़ अपने दिमाग में ना लाएं कि भाई ये दोस्त हो सकता है या कोई और दोस्त हो सकता है, सिर्फ चाइना चाइना चाइना। बेशक ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हमारे जहन में एक चीज़ डाली है कि जो इंडिया करेगा हिंदुस्तान करेगा वो गलत है, लेकिन चाइना में अगर कुछ हो रहा तो वो गलत नहीं होगा, जबकि देखा जाए तो गलत वो भी है। कोई भी मजहब है, हर मजहब की एक रिस्पेक्ट और इज्जत है और वो पूरी दुनिया में करनी चाहिए। पाकिस्तान में देख लें, यहाँ पे क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और हर एक का एक अपनी अपनी मजहब की आज़ादी है, किसी को भी उस चीज़ को वो नहीं किया जाता। तो सेम एज इट इज चाइना में भी ऐसा होना चाहिए था और इसके खिलाफ डेफिनेटली आवाज उठानी चाहिए। क्या बायकॉट चाइना होना चाहिए? अगर हो जाता है तो सुई से जहाज तक हमारा चला जाएगा। हाँ, शायद अभी हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम चाइना से कर सके, क्योंकि वो ना सिर्फ इकोनॉमी में बल्कि फाइनेंशियली भी हमारी मदद करते हैं। क्या हमें खामोशी तैयार कर लेनी चाहिए? नहीं, डेफिनेटली हमें इस काबिल खुद को करना चाहिए। पहली प्रायोरिटी पे हमें खुद इस काबिल करना चाहिए कि हम किसी पे डिपेंड ना करें, लेकिन यही वजह है कि हम डिपेंड करते हैं तो इसलिए खामोश हैं। आखिरी एक सवाल, देखे 76 ईयर हुए हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान को, हम अपना कंपैरिजन उनके साथ करते हैं कि हम उनसे अलग हुए, उनसे निकले। अगर आज देखे तो हिंदुस्तान जो है हर एक कंट्री के आगे खड़ा हो जाता है, कोई भी चीज़ हो उनके, अगर मतलब यूक्रेन वॉर में अगर देख लें, वहाँ पर उनके सिटीजन थे तो उन्होंने बचाया, फिर उसके बाद कैनेडा से अपने लोगों को बुला लिया, बड़ी चीज़ों पर हमने उनको देखा, फिर रशिया से तेल लेने के लिए भी उन्होंने किया। तो क्या वजह है कि आज वो अपनी पॉलिसीज पर इतना अकड़े हैं कि भाई हमारे किसी से कोई मफद नहीं है, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जाता है तो जाए, कोई आता है तो आए, लेकिन आज भी हम डिपेंडेंट हैं। बेसिकली मैं तो यहाँ पे यही कहूंगा कि उनको अपने मुल्क से प्यार है और इसी वजह से वो तरक्की कर रहे हैं, अपने मुल्क का सोचते हैं, वो सिर्फ अपना ही सोचते हैं। हमारे जो ऊपर जो बैठे हैं वो सिर्फ अपना सोचते हैं और अवाम और मुल्क का बाद में सोचते हैं। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। वैसे तो ये देखें बहुत सेंसिटिव सा सवाल है, ठीक है, और इसका डेफिनेटली एक कोई बहुत खुल के जवाब तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन आप ये देख लें कि हर मुल्क के एक सॉवरेंटी होती है, ठीक है, हर मुल्क की खुद मुख्तारी है, उनके मुल्क के मामलात में आप कोई एक स्टेटमेंट तो जारी कर सकते हैं, लेकिन कोई प्रेशर भी दे सकते हैं, लेकिन आप अमल जो है वो दखल नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये है कि उन्होंने मुस्लिम, क्योंकि वहाँ मिनॉरिटी में है, ठीक है, अकलियत में है, अगर उन्होंने मुस्लिम्स के खिलाफ ये किया है, ठीक है, तो डेफिनेटली ह्यूमन राइट कमीशन जो पाकिस्तान का और बाकी पूरी दुनिया का भी, ठीक है, खासतौर पे यूएन के जो ह्यूमन राइट के कमीशन हैं उनको इस पे आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक है, उठानी चाहिए। जहाँ तक आपकी मतलब ये तो मैं ये कहूँगा एक सेंस में कि ये रॉन्ग है, इस पे जितना भी आप तनकीद जितना भी आप इसको बुरा भला कहें उतना ही कम है, लेकिन ये बात है कि आप जहाँ तक दूसरा सवाल का दूसरा हिस्सा कि पाकिस्तान क्यों नहीं बेसिकली कर रहा, इसमें कुछ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी आ जाते हैं, कुछ आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी आ जाते हैं, क्योंकि चीन हमारा दोस्त है, ठीक है, और चीन के साथ हमारे अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, ठीक है, इसलिए हम कोई बहुत ज़्यादा ओपनली खुल के नहीं बोल सकते। इसमें यही बात आ सकती है कि हमारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं चीन के साथ। चीन हमारा दोस्त है, अगर दोस्त है तो दोस्त ऐसा तो नहीं करते, दोस्त ऐसा करते नहीं है, ठीक है, लेकिन वही बात है कि आप चीनी गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, उसके आपके अलग ताल्लुकात हैं, चीनी बिजनेसमैन के साथ पाकिस्तान के अलग ताल्लुकात हैं, इकोनॉमिकली अलग ताल्लुकात हैं, पॉलिटिकली अलग, हाँ जहाँ तक ताल्लुकात हैं ह्यूमन राइट के, ठीक है, उस पे पाकिस्तान को आवाज़ उठानी चाहिए, सिर्फ इस हद तक, ठीक है, कि ना हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं इसमें खराब हों, ना पॉलिटिकल इंटरेस्ट खराब हों, लेकिन एज अ सिर्फ एक इंसानी हकूक या एक मजहबी हकूक के तौर पर, ठीक है, पाकिस्तान को इस पे तनकीद करनी चाहिए थी। अगर मैं जाऊं दूसरी साइड पे, हिंदुस्तान के अंदर बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुई, बाबरी मस्जिद का किस्सा आज तक लोगों के इवन के यूथ के भी जुबान से हम सुन लेते हैं, मतलब इतना ज्यादा बताया गया है। अब वो दूसरी जानिब जो कश्मीर को लेके, तो उस पर भी हमारा मीडिया हर चीज की आवाज उठाता है, इवन अगर हिंदुस्तान की कोई भी छोटी सी चीज हमें नजर आ जाए तो हम ट्रेड बंद कर देते हैं। सर वहां पर हमें बेनिफिट क्यों नहीं नजर आते? अमेरिका के साथ नहीं हम कर सकते, चाइना के साथ हम नहीं कर सकते, सिर्फ हिंदुस्तान के साथ हम हर चीज बंद कर देते हैं, हिंदुस्तान के लिए बोल भी देते हैं, क्यों, क्या वजूहत है? देखें मेरे ख्याल में कंपेयर नहीं करना चाहिए चाइना और इंडिया को, इंडिया की जो बदयानती है, इंडिया का जो जुल्म है वो सबके सामने है और वो अभी से नहीं कई सालों से है। चीन में भी इस तरह के केसेस आते हैं लेकिन बहुत रेयर आते हैं, बहुत अरसे बाद सुनने को मिल जाते हैं इस तरह के केसेस जो एंटी माइनॉरिटी हों,
लेकिन इंडिया में तो एंटी माइनॉरिटी केसेस अब जो है उनका वतीरा बन चुके हैं और वो डेली बेस पे हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ी चीज हमारे सामने कश्मीर की एग्जांपल है, जो कि इतने 70-75 सालों से जो है वो केस चल ही रहा है और अभी तक खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये कंपेयर नहीं हम कर सकते इंडिया को चाइना के साथ। ठीक है, इंडिया को यस कंडेम करना बनता है, ठीक है, इंडिया जो है, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को इंडिया को कंडेम करना चाहिए। चीन में भी जो ये आप कह रही हैं कि रिपोर्ट जारी हुई है, ये है तो खतरनाक और तश्वीशनाक है, इस पे करना चाहिए, लेकिन ये रॉन्ग होगा कि हम इंडिया का कंपैरिजन चाइना के साथ करें। ठीक है, एक आखिरी सवाल है, आप बहुत अच्छा बोले हैं, अगर इंडिया का चाइना के साथ, इंडिया का अमेरिका या फिर किसी भी कंट्री के साथ अगर हम कंपैरिजन नहीं करते, तो मुझे आप बता दें, कश्मीर का आपने कहा है, तो सर कश्मीर का मसला आपने कहा 76 ईयर से हल नहीं हो रहा, यूएन के रेजोल्यूशन के मुताबिक जो हमने साइन किए हुए हैं, सर हमने अगर साइन किए हैं, जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, हमने उस पर साइन कर दिए हैं कि भाई जब इलेक्शन करवाए जाएंगे तो फौज हटाई जाएगी पाकिस्तान की, इस तरह के सारी मामला थे, तो सर उसके बाद हम कैसे कह देते हैं कि भाई इंडिया इस चीज को हल नहीं करना चाहता, क्योंकि हमने सिग्नेचर तो खुद किए हुए हैं। देखिए, हमने सिग्नेचर खुद किए हुए हैं, अब मेरे ख्याल में अगर ये कोई मैं कोई इस तरह का जारी बात है, एक अपनी सिर्फ जाती राय दे सकता हूं मैं, ठीक है, और मुझे जाती राय में ख्याल में ये लगता है कि ये मामला तो अब तभी हल होगा जब दोनों ममालिक लचक दिखाएंगे। ठीक है, वहां से भी लचक आएगी, यहाँ से भी लचक आएगी, लेकिन बजाहिर ये लग रहा है कि डिप्लोमेटिकली जो है इंडिया जो है वो कश्मीर पे अपना असर दिखा रहा है, अपनी जो है हुक्मरानी शो करना चाहता है, और पाकिस्तान तो शायद एक बहुत छोटी सी आवाज़ रह गया है, सबसे बड़ी आवाज़ जो यूएन की है, ठीक है, जो खुद इस जगह को डिस्प्यूटेड कहती है और मकबूजा कहती है और मुतनाज़िया कहती है, अगर वो कुछ नहीं कर पा रही तो पाकिस्तान किस खेत की मूली है। बिल्कुल सही, हमारा टॉपिक जो था चाइना का था, क्या बायकॉट चाइना होना चाहिए, इस लिहाज से कि हमारे मुसलमान वहाँ सेफ रहे, अगर जाते हैं हम उसे दोस्त कहते हैं तो। बायकॉट चाइना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपके इस एरिया में, आपका, मैं तो समझता हूँ कि इस एरिया में नहीं पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही हमारा ऐसा मुल्क है जिसके हमारे साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांग हैं। ठीक है, चाइना की बहुत ज्यादा इकोनॉमी हमारे साथ जुड़ी है, सी पैक जुड़ा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, जो कि मैं ये भी नहीं कहूंगा कि करें, बल्कि कोई करेगा भी नहीं, कोई गवर्नमेंट इस तरफ स्टेप ही नहीं लेगी कि चाइना के साथ बायकॉट किया जाए, उनके साथ कई सालों से ताल्लुक है। खामोश रहे, सिर्फ स्टेटमेंट दे और खामोश हो जाए। नहीं, मैंने ये बताया है कि हम स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं ना, फिर अगर कुछ नहीं कर सकते तो। हम स्टेटमेंट दे सकते हैं, अब ये बिल्कुल वैसे ही है, अगर हमारे मुल्क में ईसाई खानदान के साथ या हिंदू खानदान के साथ कुछ हो तो चाइना यहाँ अमल दखल नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक कंडेम कर सकता है, स्टेटमेंट दे सकता है। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी होगी जी, उस पर ये होता है ना कि कहना बड़ा आसान होता है, मतलब बाद लोग बड़े दावे कर रहे थे जब आम पब्लिक में होते, जब वो गवर्नमेंट में आते हैं तो वही काम करते हैं जो आम बंद उस वक्त कह रहे थे कि जी हम तो ये करेंगे नहीं, लेकिन गवर्नमेंट आते हैं या तो वो नहीं करते। सही या गलत का फैसला जो है ना, हमारे जो अवान में बैठे हुए लोग हैं वो कर सकते हैं। हम किसी इंसान के लिबास को देख के, उसके पर्दे को देख के ये क्लेम नहीं कर सकते ये पाकिस्तानी है, मुसलमान है, इसको इंडिया को सपोर्ट करनी चाहिए या पाकिस्तान को सपोर्ट करनी चाहिए। चीज़ ये है कि उसके इंटरेस्ट उसके साथ ऐसे क्या हैं जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट नहीं है। आप जो भी ताल्लुकात दुबई के इंडिया के साथ देखेंगे वो ज़्यादा बेहतर नज़र आते हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा सिक्योर समझते हैं इंडिया में एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट लेकर नहीं आना चाहता। अब क्यों नहीं लेकर आना चाहता? अब हमारे यहाँ पे माफिया ऐसे हैं जो सबसे पहले ये कहते हैं कि आप हमें परसेंटेज कितनी देंगे तो हम आपको यहाँ पे बिजनेस करने का मौका देंगे। दूसरी बात, परसेंटेज अगर तय हो भी जाती है तो उनको क्या सिक्योरिटी यहाँ पे मौजूद है कि अगर वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं तो उनको यहाँ पे जो भत्ताखोर हैं, कमीशन उसने अलहदा दे दी, भत्ताखोर, सिक्योरिटी, और तीसरी बात जो सी है इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे, क्या आप उनको सस्ती बिजली दे सकते हैं? यहाँ पे सस्ती लेबर तो मिल जाएगी, यहाँ के लोगों को रोजगार तो मिल जाएगा, क्या यहाँ पे सस्ती बिजली, सस्ता रॉ मटेरियल उनको मिलके क्या वो यहाँ पे इस काबिल कर सकते हैं कि वो एक्सपोर्ट अपनी बढ़ा सके? तो मेरा ये है कि अगर जो भी है इन तमाम चीज़ों को हमारे जो वज़ीरे हमारी खारजा पॉलिसी है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए, हमारे सफारती तालुकात इतने अच्छे होने चाहिए कि अगर वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो पाकिस्तान को सपोर्ट करें, तो पाकिस्तान को अपना एक अच्छा इमेज जो सा है दुनिया में दिखाना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, जो यहाँ पे लोग आएं
और आके अपने आप को सिक्योर और फील फ्री समझ सके। बिल्कुल सही सर, आपकी बात से एग्री करती हूँ मैं। क्या वजूहत है कि हिंदुस्तान ने ऐसा इत्मीनान डेवलप किया, क्या उनमें ऐसी क्वालिटी है कि वो आज दुनिया में सराहे जाते हैं? कहने को तो वो सेकुलर है, मतलब हर तरह का मजहब है, हम तो मुसलमान है, हमारी पॉलिसीज भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन क्या वजूहत है कि उन्हें दुनिया सराहती है? उनकी ख्वाजा पॉलिसीज आपको ये देखे, आईफोन वहाँ पे जाके जो सा ऑपरेट कर रहा है, कितनी फ्रेंचाइजेस वहाँ पे लॉन्च हो रही हैं, वो देखे प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आप यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं दे रहे, आप जब तक यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं देंगे आपकी प्रोटेक्शन नहीं होगी, आप सारा तो चाइना पे डिपेंड करने लग गए हैं। अब चाइना को डिपेंड करते करते चाइना को आपने अपनी सियासी इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी सियासी इंतजार में आपने चाइना को पीछे कर दिया। आपका चाइना जैसा दोस्त पीछे हो रहा है तो आपकी दुनिया के कौन से लोग यहाँ पे आने चाहिए? इवन तो आपका सऊदीया नहीं आने को खुश, यहाँ पे आपका ईरान आने को खुश नहीं है, उसने अपनी पाइपलाइन बिछा दी। तो मैं इस चीज को नहीं समझता कि कौन किसको क्या डेडिकेट कर रहा है। बहुत अच्छा डेडिकेट कर रहा है। हाँ, आप इतने काबिल बने कि आप इतने काबिल बन सकते हैं, बन के दिखाएं और दिखा के आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे लेके आए और अपने लिए अपने यहाँ पे सॉन्ग भी बनाए। आप किसी भी इंडिया के वो लाल वो साधु को यहाँ पे लिबास बना दे, मुझे साधु का लिबास बना के मुझे गाने जितने मर्जी कलवा दे पाकिस्तान के, मैं आपको यहाँ पे जो पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगा दूंगा। जितने पेड़ लोग हैं, ये तो पेड़ चीजें हैं। आप किसी भी दाढ़ी वाले को बुर्का पहना के इंडिया के के लिए सॉन्ग गवा दे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि आपके ताल्लुकात कितने अच्छे हैं। आपके जितने ताल्लुकात अच्छे होंगे आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी। इंडिया का कोई बाहर जाता है उसके कपड़े नहीं उतरते, हमारे वजीरों के कपड़े तक उतर जाते हैं। तो ये आपकी खारजा पॉलिसी का सबसे बड़ा मसला है, ये किसी सॉन्ग का मसला नहीं है। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा किया उन्होंने, उनके लिए गाना गाया। पाकिस्तान को अगर शर्म है, नहीं पाकिस्तान नहीं, सॉरी मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, हाँ अगर यहाँ के हुक्मरानों को शर्म है तो वो इस तरह का अपना इमेज क्लियर करें, अपना इमेज इतना पुख्ता बनाए कि हम लोग जो है पाकिस्तान के गाने गाएं और बाहर की दुनिया पाकिस्तान के गाने गाए, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, थैंक यू सो मच। हमारे तो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक जो है वो शुरू से खराब है। सर क्यों खराब है? बेसिकली बात यह है कि हिंदू जो लोग हैं वो मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते शुरू से। ये पॉइंट जो है ना, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनने से पहले की जो है ना ये पोजीशन है, ये चल रही है और ये अभी तक चल रही है और ये चलती रहेंगी, ये खत्म नहीं हो सकती। क्या मुसलमान हिंदू को अच्छा समझता है? मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान तो मैं ये समझता हूँ कि बेशक ये बात सच है, मुसलमान जो कौम है वो हर मजहब को अच्छा कहती है, लेकिन हिंदू वो वाहिद कौम है कि जो मुसलमान को क्या, वो किसी भी कौम के फर्ज को अच्छा नहीं समझती। तो आप ये कह सकते हैं अभी के हिंदू मेरा भाई है? नहीं, बेसिकली इंसानियत के नाते अगर देखा जाए तो एक इंसान होने के नाते हम हिंदू को अपना भाई कह सकते हैं, अदरवाइज वैसे कोई मतलब इसके अलावा कोई वजूहत नहीं है कि आप उन्हें अपना अभी तो भाई कह सके। अभी तो आपने कहा है कि हम हर मजहब को बहुत ज्यादा अच्छा समझते हैं, तो फिर हम हिंदू को अपना भाई भी तो कह सकते हैं? देखे ना, हमारे मजहब में तो ये चीज है कि हमारा मजहब तो माशाल्लाह आपको पता मुस्लिम है, मुसलमान है, हमारा दीन इस्लाम है, और इस्लाम के अंदर तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि दुश्मन को भी तुम भाई कहो। तो इसके अलावा इसके बावजूद जो है ना वो हिंदू कभी भी मुसलमान का दोस्त या भाई नहीं हो सकता। अच्छा, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। असल में ये है ना, पाकिस्तान रिसेंटली देखा जाए तो पॉलिटिकली पूरी दुनिया से आइसोलेटेड है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट पिछले मतलब 2-3 साल से जिस तरह मतलब हमारी एक प्रिकेरियस सिचुएशन है, कोई दुनिया हमें मुंह लगाने को तैयार नहीं है, हमारी कोई मतलब डिप्लोमेटिक हमारी कोई पावर ही नहीं है, किसी दुनिया में कोई हमारे सुनने को तैयार नहीं है। एक तो हम मकरूज भी हैं क्योंकि हमारी कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं आ रही, जिस तरह इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है मतलब हमारी कोई औकात नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सऊदी अरब हो गई या मिडिल ईस्ट के जितने अरब कंट्रीज है, उनके सारे मफादात जो है ना यो सुपर मतलब पावरफुल कंट्रीज के साथ जिनकी इकोनॉमी GDP स्ट्रॉन्ग है, जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज हो गया, इंडियन जो आजकल जाहिर सी बात है पूरी जो मार्केट जो दुनिया की है उसका हब बनता जा रहा है, तो इंडिया के बगैर कोई भी मतलब उसके आसपास के कंट्रीज चाहे अफगानिस्तान हो कश्मीर हो कोई आगे नहीं चल सकता। पाकिस्तान की उनको ऐसा जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि पाकिस्तान की कोई इस तरह वैल्यू नहीं है। तो जाहिर सी बात है सारे इंडिया के साथ एक दूसरे के साथ ट्रेड करते जा रहे हैं, इवन ईरान और सऊदी अरबिया जो जिनकी मतलब चांसेस ही नहीं थी मतलब दोबारा दोस्ती हो सकती, अगर वो दोस्त बन सकते हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं मतलब किसी के साथ पाकिस्तान की नहीं बन सकती।
तो जाहिर सी बात है अरब हो गया उनकी मतलब जो मतलब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आगे पीछे जो हो रही है इंडिया के साथ, स्पेशली आईटी मार्केट हो गया, दूसरे जो फील्ड्स हो गए उनकी बहुत ज़्यादा ताल्लुकात है और उसके बगैर वो चल नहीं सकते। और जाहिर सी बात है आगे उनको पावरफुल बनने के लिए एक दूसरे के सहारे की ज़रूरत है, तो वो इंडिया चाहता भी यही है पाकिस्तान को आइसोलेट करके, मुस्लिम जो जितने कंट्रीज है स्पेशली अरब हो गया तो उनको साथ अपने मिला के। इंडिया अगर चाहे और पाकिस्तान की हरकतें ठीक हो, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की कारकर्दगी ठीक हो, इंडिया जितना मर्जी चाहे पाकिस्तान को कौन छोड़ेगा? अगर पाकिस्तान खुद अपने आप को मतलब पॉलिटिकल स्टेबल करे तो कोई पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह पाकिस्तान की जियो पोलिटिकल स्ट्रेटेजी है ना, मतलब लोकेशन है दुनिया में, तो उस हिसाब से पाकिस्तान स्ट्रांग कंट्री है। चाइना को हमारी जरूरत है, पहले सोवियत यूनियन को हमारी जरूरत थी, अमेरिका को हमारी जरूरत थी, सब ने हमको यूज किया, हम लोग उनकी जंग में कूदे। अभी सबसे ज्यादा हमारा नुकसान हुआ इन चीजों में, हमारे लोग शहीद हुए, हमारी इकोनॉमी को नुकसान हुआ, पाकिस्तान ने फिर भी नहीं सीखा। इन चीजों से अगर हम बाहर निकल के आए वो नजर तो नहीं आ रहा जिस तरह सिचुएशन है। लगता कि हमें जरूरत है इस टाइम दुनिया की जो रिलेशनशिप है, दुनिया की चीजों की, दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बिल्ड करने की, आपको नहीं लगता कि हमें जरूरत है इस टाइम? बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। आजकल के दौर में अमन के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। आजकल जिस तरह इसराइल और फिलिस्तीन का कंफ्लिक्ट है वो भी अमन के बगैर पॉसिबल नहीं है। कश्मीर बेसिकली हम लोग मैं गिलगित बल्तिस्तान से हूँ तो हम कश्मीर में आते हैं ना, कश्मीर काज में, उसमें भी हमारा मौकफ यही है जिस तरह भी हो इसको डायलॉग के जरिए इसको कवर कर लिया जाए, चाहे सियाचिन का इश्यू हो, कारगिल वाला आगे पीछे एलओसी का जितना इश्यू है उसको हल कर लिया जाए और आवाम के मतलब उनके अपने मफादात के मुताबिक उसको सोल्व कर लिया। सहूलियात उधर के कश्मीर के पास है या इधर के कश्मीर और गिलगित के पास है? हम लोग तो यहाँ पे एज ए सिटीजन कंसिडर ही नहीं करते ना पाकिस्तान, हम लोग वहाँ के जो हमारे जो लोग हैं उनसे भी रबते में, तो उनको मतलब हर चीज से मतलब सब्सिडी भी है, एजुकेशन के हवाले से भी बहुत ज्यादा इनको सपोर्ट करते हैं इंडिया में। जाहिर सी बात इंडिया को पता है अगर इन लोगों के साथ हमने थोड़ी ज्यादती की तो इन्होंने आगे तहरीक चलानी है, इन्होंने निकल जाना है, पाकिस्तान को इस चीज की परवाह नहीं है। अभी रिसेंटली गिलगित में देखे ना, जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं हमारे ऊपर, मतलब गंदुम सब्सिडी खत्म की जा रही है और बहुत सारे मतलब हमारे मादनियात वगैरह हो गए, हमारे जो जितने वहां से टैक्स कलेक्ट होते हैं वो अपने ऊपर यूज कर रहे हैं। पूरे हमारे गिलगित बल्तिस्तान के जो कह सकते हैं ना बजट, वो लाहौर के मतलब हाफ से भी हाफ है, मतलब पाकिस्तान का एक शहर और हमारा पूरा प्रोविंस जो है ना मतलब उसके बराबर में नहीं है। और वहाँ देखो ना, वहाँ श्रीनगर को स्मार्ट सिटी कहा जा रहा है, वहाँ पर सऊदी दुबई अमार कंपनी आ गई और पता नहीं कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट जा रही है, और वहाँ पर मेट्रो चल गई, वहाँ पे ऑरेंज लाइन चल गई, वहाँ पे एयरलाइन बन गई, वहाँ पे ट्रेन सिस्टम आ गया, और यहाँ पर कश्मीर और गिलगित में नॉर्मल हमने देखा ही नहीं, कुछ भी नहीं है। आप एक चीज से अंदाजा लगे ना, रिसेंटली श्रीनगर में G20 कॉन्फ्रेंस हुआ, पूरी दुनिया के जो टॉप की लीडरशिप उधर आए, ये इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है ना पाकिस्तान में, इस मतलब इस तरह के सोच भी नहीं सकते। अभी गिलगित बल्तिस्तान में स्पेशली कुछ भी नहीं हो सकता, कोई आएगा बड़ा लीडर पाकिस्तान में नहीं आ सकता। श्रीनगर में G20 हो गया, मतलब उसमें वो लोग IPL में भी हो गए, उनकी यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट को जिस तरह मतलब वो लोग फंड, जम्मू कश्मीर के टेन जो लड़के हैं वो IPL के लिए जा रहे हैं 2024। जी जी, वो हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं जितने भी मुसलमान है जम्मू साइड पे या कश्मीर साइड पे उनको अपनी तरफ मिला लें, हर तरह से फंडिंग करके जो भी हो, और होना भी ये चाहिए ना। अब देख पाकिस्तान शुरू में मतलब GB में ओवरऑल देखा जाए ना या कश्मीर साइड पे 100% पाकिस्तान के साथ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने देखा रिसेंटली जो हालात हुए ना, सारे लोग मतलब एक तरह से इस सिस्टम के खिलाफ हो रहे हैं। अब बहुत सारे लोग स्पेशली जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तालबेलों में, जाहिर सी बात है वो पढ़ लिख के एक रिसर्च ओरिएंटेड वो स्टूडेंट है सारे, वो सारे पाकिस्तान के मतलब अगेंस्ट मतलब एक तरह से कह सकते हैं, उस तरह से नहीं है जो पहले से हमारे एक जो स्टोरी चल रही थी पाकिस्तान के साथ मतलब लव अफेयर वाले कह सकते हैं, वो एक फेक मतलब वो प्रूव हो रहा है। तो पाकिस्तान के जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो भी है उनको चाहिए इस चीज को सोचे, स्पेशली जो यूथ है वहाँ के उनको मतलब 71 में बांग्लादेश चला गया, तो आहिस्ता अल्लाह राह करे, आहिस्ता तो हम अपना नुकसान कर रहे हैं ना। ये चीज है, मैं मतलब जब भी पोस्ट करता हूँ आगे पीछे मैं ये चीज कहता हूँ, 71 में बांग्लादेश चला गया, पाकिस्तानियों ने उनको पता नहीं क्या क्या कहा, बंगाली ये बंगाली वो, बाद में पता चला मतलब उनके साथ जुल्म हुआ है, किताबें लिखी, आइडिया हो गया लोगों को, अभी सियाचिन के हमारी जमीनें निकल गई, अभी अफगानियों को देख मतलब एक तरह से हम उनके जंग में कूदे, हमने अड्डा फराम किया, उन पे हमले किए, 20 साल उनके मतलब कत्ल वगारत हुई, फिर अभी हम कह रहे हैं अफगानी आरामी ये वो, हमने जुल्म भी उन पे किया है, हम ऊपर से मतलब चाह रहे हैं उनसे हम हमदर्दी भी ले, वो हमसे प्यार भी करे, इस तरह कैसे हो सकता है? अभी इस चीज को हमने मतलब वो संजीदा नहीं लिया, तो आगे हो सकता है गिलगित बल्तिस्तान वाले कश्मीर वाले भी अलग हो सकते हैं, पाकिस्तानी हमें भी गाली दे। फिर जो ये शेख लोग थे और जिन मौलवी फैमिली ने जो गाना डेडिकेट किया, आपकी नजर में क्या सही किया उन्होंने हिंदुस्तान को डेडिकेट करके ये गाना? आजकल की दुनिया में मतलब हर कोई आजाद है, हर कोई मतलब उसका राइट है, वो जिसको जिस तरह के सॉन्ग डेडिकेट करे, ये चीजें जो उनसे ना मतलब अदब मौसिकी ये वो इन चीजों की कोई मतलब बाउंड्री नहीं होती।
नहीं, ये सही तो नहीं है वैसे, ये तो है तो गलत। मुसलमान मुल्क है और भारत हमारा वैसे भी, उसके साथ हमारी वैसे नहीं बनती। अच्छा। तो ये सही तो नहीं है, तो जहरी बात है, गलत ही है। ऊपर आप देख रहे हैं कि फलस्तीन में क्या हो रहा है। भारत से हमारी क्यों नहीं बनती? भारत के साथ बस वैसे ही आपको पता है हमारी सरहदी तालुकात खराब है, उस हिसाब से हमने खराब किए हैं या खराब हैं? किए हैं कुछ, है भी कुछ, किए भी हमने। अगर हम हिंदुओं के बारे में कुछ अच्छा बोल देंगे तो गलत है? हाँ गलत है, वो तो गलत है। गलत है? हाँ गलत है। मतलब हिंदू कुछ नहीं है।